जिस जाट कॉलेज के जिस प्रांगण में आप सब लोग बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना जाट कॉलेज, जनता वैदिक कॉलेज, जिसको हमारे पूर्वजों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके बनाया था, 100 साल से पुराना हो गया। ये कॉलेज इतना पुराना है, जब मैं यहाँ पर पढ़ता था कश्मीर से लेकर के और केरला तक के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, मेडिकल पढ़ने आते थे। कुछ कारणों से ये अपनी प्रतिष्ठा में गिर गया। मैंने महाराज जी से ये विनती की है और महाराज जी तैयार है इसको यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का दर्जा देने के। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे पूछ रहे थे कि भाई वो कसम की सहमति होगी क्या। मैंने कहा महाराज जी सहमति हो, कभी कभी बिना सहमति के करते रहते। महाराज जी पूरे बागपत जिले में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर पैदा कोई जिला करता है उसका नाम बागपत है। पूरे हिंदुस्तान के 50% शूटर बागपत तैयार करता है, सबसे अच्छे पहलवान बागपत तैयार करता है। लेकिन बागपत जिले के अंदर हमारे बच्चों के लिए कोई भी दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इसी बार ही जाट कॉलेज के इस प्रांगण में, इतने बड़े ग्राउंड में एक सिंथेटिक ट्रैक देने की आपके पकड़। हमारा कमाला में इंटरनेशनल जो है और स्टेडियम स्पोर्ट स्टेडियम महाराज जी, उसकी स्वीकृति हो सकती है, जल्दी से जल्दी पैसा है उसका भी आपका आशीर्वाद हो जाए। एक सैनिक स्कूल के मैंने महाराज से रिक्वेस्ट किया, सैनिक स्कूल हमारे मोहनगर की बहन डॉक्टर मंजू शिवाज यहाँ बैठी है। हमने पिछले 4 वर्षों से महाराज जी 500 बीघे जमीन इकट्ठी करके रखी है ताकि वहां एक सैनिक, और आपने मुझे आश्वासन दिया था मुझे कि जब स्कूल आएंगे सैनिक स्कूल, मैं एक सैनिक स्कूल बागपत को दूंगा। और मैं आपको याद दिला रहा हूं, पूरा महादेव का मंदिर, पूरा महादेव का मंदिर आज आप सब लोगों के लिए बहुत जानकर के बड़ी खुशी होगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अरे धर्म का डंका बजा रहे, इसलिए आज महाराज ने अपने भगवानपुर गांगल गांव में 256 किलो का घंटा दिया और वहां पर गुरु गोरखनाथ के नाम पर इतना भव्य सत्संग हाल, इतना भव्य आश्रम बनाने के लिए महाराज जी ने वहां पर बहुत बड़ा अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका पूरा बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी हमारा पूरा महादेव, एक मिनट दे रहा हूँ, पूरा महादेव इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लगभग 22 से 25 लाख लोग शिवजी महाराज पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आप भी आए थे, कुछ वर्षा करते हो, इसका विकास करने के लिए आपके यहाँ स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत कुछ अभी काम बाकी है। मैं चाहता हूँ जैसा उज्जैन के अंदर महाकाल बना है, अरे उससे भी अच्छा बागपत में इसका पूरा महादेव का विकास हो। देखिए अभी मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं, ज्यादा डिमांड करना भी अच्छा नहीं होगा। महाराज जी वैसे देने वाले हैं इस बाघ पर के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर योगी जी का जो मेरे जो आशीर्वाद है इस बाघ पर के ऊपर, उसको ये बाघ पर कभी बोला नहीं सकता। और जब भी हम उनको याद करते हैं, जब भी हम याद करते हैं, मैंने अभी मैं पिछले हफ्ते गया था, मैंने महाराज जी को कहा हमारा बस अड्डे का शिलान्यास करने के लिए हमारे माननीय मंत्री श्री दया शंकर सिंह जी आने वाले थे। जब महाराज जी को वह याद आया, अरे वहां के सांसद सत्यपाल सिंह ने बुलाया है, दया शंकर जी बुला, दया शंकर जी तुम रहने दो, अभी मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं ही शिलान्यास करूंगा। और महाराज जी
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सारे लोग, ये बागपत के सारे लोग, ये सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, आपका अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सुरक्षा दी है, उत्तर प्रदेश को जिस समय स्वर्ग जैसा जो है प्रदेश बनाने का आपने जो संकल्प लिया है, ये बागपत के सब लोग, ये सब भाई और बहन, ये सब बुजुर्ग और नौजवान सब आपके साथ है, ये मोदी जी के साथ है। मोदी जी अमृत काल के अंदर 2047 तक इस देश को दुनिया का विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, और दुनिया का विश्वगुरु, दुनिया का सबसे विकसित देश हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनाना चाहते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब लोग 2024 का कमल खिलाने के लिए तैयार है। आप सब लोग तैयार है ना? अरे महाराज को बना तो हाथों पर करके बना एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इस जोश, इस जज्बे और इस ऊर्जा का संचार करने के लिए। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री केपी मलिक जी प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं। महोदय, आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजनीतिक परिवार के मुखिया, हम सब के रखवाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सितोदिया जी, हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष वेदपाल जी, हमारे बागपत के विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, सम्मानित मंच, बहुत बहुत सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, बुजुर्गों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो क्षेत्र की तरफ से आज के अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ पूर्व वक्ताओं से जोड़ते हुए मैं बताना चाहूंगा, जब जब अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस जनपद पर आए, कुछ न कुछ तोहफा और उपहार के रूप में इस जनपद को दिया, और आने की भी संख्या उतनी संख्या है, उतनी बार आए जितनी बार आज तक सारे मुख्यमंत्री मिलकर नहीं आए थे, उससे ज्यादा बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए। इतना ही नहीं, जब हम संकट के दौर में गुजर रहे थे, वो कोरोना का दौर था, जब बाप और बेटे के बीच में भी मौत खड़ी थी, बाप की डेड बॉडी बेटा लेना नहीं चाहता था, पड़ोसी पड़ोसी से भी नहीं मिलना चाहता था, उन दिनों भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारा पता लेने के लिए इस बागपत में आए थे और हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया, दवाइयों पर दवाई दिलवाने का काम किया, गरीबों को राशन देने का काम किया, और वो ताकत और वो ऊर्जा हमें दी। अब इस पूरे प्रदेश में एक पहचान बनकर ये बागपत उभरा। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, यही उम्मीद करते हुए, जो आदरणीय एमपी साहब ने, सांसद जी ने मील की, पेमेंट की या अन्य योजनाओं की मांग की, मैं भी उन्हें उनसे अपने को जोड़ते हुए और आपकी तरफ से निवेदन करते हुए, ये उम्मीद रखते हुए, जहां सारी मनोकामना हमारी आदरणीय गुरु जी ने की, वही आने वाले दिनों में भी ये सारी योजना हमें देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की गूंज दूर दूर तक चर्चा का विषय है। विकास के नए क्षितिज पर अग्रसर जनपद बागपत की इस महायज्ञ में भूमिका को दर्शाती एक लघु फिल्म आइए देखते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास के हर क्षेत्र में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नागरिकों को सुरक्षा कवच, व्यापार का बेहतर माहौल, कृषि, सिंचाई और बिजली जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी के नए नए कार्यों और कार्यक्रमों से देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में नए कीर्तिमान बना रहा है उत्तर प्रदेश। इन अभिनव कीर्तिमानों से देश की सीमाओं से बाहर आज वैश्विक स्तर पर भी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने स्थानीय उत्पादों को दी है नई उड़ान। जनपद बागपत के होम फर्निशिंग के कारीगरों और व्यापारियों को मिली है नई उम्मीद। ODOP के अंतर्गत इसे मिला है GI टैग। जनपद बागपत मुख्यालय नई दिल्ली लखनऊ से 4-लेन 6-लेन मार्गों से जुड़ा है। विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जनपद बागपत में 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। जनपद बागपत में लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में केंद्रीय विद्यालय बावली, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार राजकीय महाविद्यालय पावला, 50 शैया युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय साकरोल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम दौला के नव निर्मित भवनों के साथ ही पर्यटन को नया स्वरूप देने में उपयोगी भूमिका निभाने वाले श्री शिव गोरखनाथ मंदिर से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। यह विकास परियोजनाएं जनपद बागपत के समावेशी विकास को नई दिशा देंगी। विकास के नए क्षितिज पर जनपद बागपत। जी हाँ, तालियों का जयघोष तो होना ही चाहिए। ये हमारे प्रदेश और जनपद की बदलती तस्वीर है। आपने अभी देखा कि जनपद की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। हम निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बटन दबाकर इन योजनाओं को लोकार्पित व शिलान्यास के रूप में जनपद बागपत को भेंट करें। जो प्रमाण पत्र दिए जाने हैं और लाभ प्रदान किए जाने हैं उसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं बुला रही हूँ महिला कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र देने के लिए कुमारी रियांशी, कीर्ति, नेहा रानी और प्रियंका को। जनपद में 12,532 लाभार्थी हैं कन्या सुमंगला योजना के, ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा। और अब चिकित्सा विभाग में आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं उषा, सिलवंती, संगीता और रजनी को। 5 लाख राशि तक का इलाज कराया जा सकता है इस गोल्डन कार्ड के अंतर्गत। विगत माह में 1,65,000 कार्ड बनाए गए और अब तक लगभग 3 लाख कार्ड बन चुके हैं जनपद बागपत में। डूडल योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं श्रीमती विमलेश, लक्ष्मी, कविता और पुष्पा जी को, क्रमशः 50,000 और 20,000 धनराशि के।
ये आपको स्वीकृति पत्र है जो इन्हें अनुदान राशि प्रदान की जानी है उसके संबंध में। हम बता दें कि 9,324 लाभार्थियों को अब तक लाभ दिया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है द्वितीय श्रेणी के ऋण या लोन प्रदान करने में डूडा विभाग। इसके पश्चात उद्यान विभाग के अंतर्गत पॉली हाउस का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रीमती आरती और श्री नीरज भारतीय जी आ रहे हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पैक हाउस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णपाल सिंह और श्रीमती आदेश त्यागी जी प्राप्त कर रही हैं ये प्रमाण पत्र अपने लाभों को प्राप्त करने का। डीआईसी विभाग उद्यमिता विभाग मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नेहा जी 10 लाख धनराशि का प्रतीकात्मक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा से टैबलेट श्वेता शर्मा पारुल शर्मा मोनिका और शैली तोमर को टैबलेट और स्मार्टफोन कोमल गुप्ता शिल्पी समीक्षा जैन और रिचा इन सभी को ये लाभ प्रदान किए गए। सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश में विकास की सरिता प्रत्येक धर्म वर्ग जाति और संप्रदाय की सीमाओं को लांघ कर निर्बाध गति से अविरल बह रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। हम सभी जानते हैं कि अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से विश्व को जिस महान व्यक्तित्व ने चकित कर दिया है वो महान व्यक्तित्व हम सबके बीच में आज विराजमान है। युग प्रवर्तक मानव मूल्यों के प्रणेता योगी आदित्यनाथ जी आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे प्रणामों को स्वीकार करें और अपने आशीर्वचन मांगें। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जनपद बागपत की लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास और लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इस बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री योगेश धामा जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाज जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतपई जी, सतेंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन
कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूते ने छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है जब मुझे अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान, मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहाँ के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिरी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी, हर बहन की रक्षा होगी। याद करिए, बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीर हरण से ही पड़ गई थी, वो तो होना ही था, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास
महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है, इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल थी, उनकी कर्म भूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है। इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है, हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य, योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ो देहरादून ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था, हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें, ये सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जो देगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या ये पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है, आप सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं, लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया तो
तो कॉलेज के माध्यम से यहाँ के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहाँ भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है, ये जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे, तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा, साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक भी विश्वविद्यालय खोल दिया है, हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय। और अब हम लोग चल रहे हैं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज को चूंकि बड़ौद में कार्यक्रम था तो आज इसलिए बड़ौद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में बड़ौद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, यहाँ का प्रमुख कस्बा है, विकास के नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है, हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो जाएगा, और तकनीकी दृष्टि जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसी लिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज जमीन की भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बना करके हमें उपलब्ध करवा दें, और प्रदेश सरकार बाकी पैसा लगाएगा और विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप आपको पहले साल में उपलब्ध हो जाएगा। कुछ नया करना ही नहीं है जी, सब कुछ औपचारिकताएं आपके पूर्वजों ने पहले से करके रखी हुई है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रयास करना होगा, एक नयापन आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी। हमें विकास के सोच के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और भाइयों बहनों विकास की उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है, लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को लाके यहां बताएंगे, खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में आइए, यहाँ का गन्ना जाकर के देखिए, थोड़ा दुनिया देखेगी यहाँ के किसानों के चमत्कार को। यहाँ का किसान अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ के शूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए, यहाँ के अन्य खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी। आपने देखा होगा एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूँ, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी SP बन जाऊंगी।
और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। भैया बहनों, आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है। 500 खिलाड़ियों को इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज यहां पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहां पर खेल कूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। नई विश्व लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है, उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे देगा। और उसी के लिए प्रस्ताव हमारे पास आने में देर होगी, बाकी कार्य हम आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जो ये विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये विकास की योजनाएं सड़क से भी है, पुल से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है, पूरा महादेव के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है। मुझे वहां से जमीन पे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी पुष्प वर्षा के लिए कावड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कावड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कावड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी, हमने कहा भी कावड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कावड़ यात्रा को हम चलने देंगे। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व और उत्सव का देश है, इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा, हाँ अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ोद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, यहां पर हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं खासतौर पर अपने जिलाध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को, अपने माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री हैं केपी मलिक जी, विधायक हैं श्री योगेश धामा जी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पड़ोस में एक इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर दिया है। मैं पूरे बागपत जनपद वासियों को इन 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र बड़ी योजनाओं के लिए हम लोग बागपत में फिर से आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।